सरकार ने डॉक्टर, पुलिसकर्मी सहित कर्मचारियों के वेतन में कटौती की है, आमजन के राशन में कटौती की है, बिजली बस किराए बढ़ा दिए हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार प्रदेश की जनता पर बोझ डालने के अलावा कुछ नहीं है। अपनी आंतरिक कलह रोकने के लिए असंतुलित विस्तार सरकार की फिजूल खर्ची को दर्शाता है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता पर हर क्षेत्र में मूल्य वृद्धि कर बोझ डाला है, सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में कटौती की गई है। ऐसे में सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार में भी कटौती करके उदाहरण पेश करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि गत 2 वर्षों से बिना मंत्रिमंडल विस्तार किए भी सरकार चल ही रही थी, फिर इसकी क्या जरूरत थी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार बोर्डों, निगमों में भारी भरकम वेतन पर राजनीतिक नियुक्तियां करके फिजूल खर्ची कर रही है, लेकिन जनता को किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है। ये जनता के साथ अन्याय है। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।